गलत आप टू एवरीवन हूज वाचिंग दिस वीडियो माय नेम इज हितेश जिशनानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वेलकम द पीपल हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माय नेम इज हितेश जिशनानी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैज यू नो शावर देयर लव। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस, एवरीथिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उससे पहले अभी आई थिंक वी हैव क्रॉस 7000 सब्सक्राइबर्स एंड दैट्स अ गुड थिंग। वी आर द फैमिली ऑफ 7000 सब्सक्राइबर्स नाउ। बट मैं बस 10000 का वेट कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि अगर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और 10000 कर दो तो मैं एक सरप्राइज लाने वाला हूँ और वो सरप्राइज ये है मैं बाहर जाऊँगा शॉर्ट्स और टी शर्ट और जैसे ही 10000 होंगे मैं अपने ऊपर अपने दोस्तों को बोलूंगा ठंडा पानी डाल देंगे मेरे ऊपर, तो आप उनसे पूछ लेना ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके वो डालूंगा जैसे ही 10000 होंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल और तो बस अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो आज की वीडियो है कि मेरे 100 दिन कैसे गए जबकि 100 से थोड़े ज्यादा ही हो गए हैं और मेरा आज एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था और आज फाइनली मेरे सेमेस्टर भी कंप्लीट हो चुके। तो अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते दो हफ्ते में मेरे को 4 महीने हो जाएंगे। तो ये है कि मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं बुरा नहीं फील कर रहा कुछ भी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बट हाँ मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। तो जब मैं पहली बार यहाँ लैंड हुआ था तो हमारा यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली क्वारंटीन वगैरह का हिसाब था, तो 14-15 दिन जो घर में बैठना होता है वो बहुत ही अच्छा नहीं होता। एक होता है ना तुम मर्जी से कहीं बाहर नहीं जा रहे हो और तुम सही में कैद हो रखे हो, वो अलग होता है। तो ये चीज़ जो थी ना ये थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बट एक चीज़ की बहुत खुशी थी कि एटलीस्ट मैं कनाडा आ गया उस पेंडेमिक के टाइम। तो मुझे बहुत सही लगा ये हिसाब कि एटलीस्ट मैं यहाँ पहुँच गया, तो मैंने फिर भी इसमें अच्छा ही ढूंढा और मैं खुशी खुशी अपना क्वारंटीन निकाल दिया। पर क्वारंटीन में एक चीज़ थी कि मतलब मैंने एक जो चीज़ नहीं करी वो था कि मैंने जॉब्स अप्लाई नहीं करी थी ऑनलाइन बैठ के, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, आप वो देख लेना वहाँ पे कि चीज़ें क्या करनी चाहिए कनाडा आते हुए, आते वक्त या आते ही, तो वो चीज़ आप देख लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो मेरा एक्सपीरियंस ही था। फिर ये था कि मतलब हमें पता था कि ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह मतलब वॉलमार्ट से करनी चाहिए, नो फ्रिल से करनी चाहिए, फ्रेशको से करनी चाहिए, बट हमें इतना नहीं पता था कि यार इतना ज़्यादा महंगा हिसाब है कि दूसरी जगह से करो। तो मेरे घर के पास जब एयरबीएनबी के पास शॉपर्स ड्रग मार्ट होता था और शॉपर्स बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था ना, मेरे साथ में जो अपने सरदार जी आए थे उसको पता था, तो हम तो साथ में चले जाते थे शॉपर्स और वहाँ से ले आते थे, तो काफ़ी कॉस्टली था उसमें, हमारे काफ़ी चीज़ें चली पैसे चले गए थे, तो हमें इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। क्योंकि बड़ी खुशी थी कि चलो पेंडेमिक में आ गए तो इस वजह से वो तो मतलब वो टाइम निकल गया। फिर क्या हुआ जब हमारा क्वारंटीन खत्म हुआ तो हमें अकोमोडेशन ढूंढनी थी। अब अकोमोडेशन में इतना ज़्यादा पंगा आ रहा था, हमें घर नहीं मिल रहा था, हमें लग रहा था कि यार हमें ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे बच्चों ने ना काफी ऐसी न्यूज बन गई थी कि बच्चों ने रेंट देना बंद कर दिया क्योंकि लैंडलॉर्ड मांग भी नहीं सकता, फोर्स भी नहीं कर सकता। तो अब हम जब घर ढूंढ रहे थे ना तो हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कहते हैं कि भाई हमें तो या तो कोसाइनर चाहिए या हमें रेंट कम से कम 4 महीने का चाहिए, तो ऐसा सीन हो रहा था। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, घर खराब कर देते हैं, बच्चों को ज्यादा रहते थे, अकोमोडेशन में बहुत मुश्किल हुई थी। बट वो भी चलो हो गया भगवान की दया से। मैंने जपनीत को बताया था कि भाई जपनीत कहता हमें एयरबीएनबी एक्सटेंड कराना पड़ेगा ये वो, मैं कहा भाई हमें मिल जाएगा तो टेंशन मत ले। और हमें मतलब जिस दिन हमारे को खाली करना था उसी दिन हमें घर मिल गया था आप लगा लो, तो एयरबीएनबी का खर्चा बच गया था। तो ये है कि पॉजिटिव में मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं, तो जो सोचता हूँ और वो हो ही जाता है, टच वुड है हो जाता है। तो बस यही था, अकोमोडेशन मेरी हो गई अच्छी खासी, बस घर में मूव कर गया। फिर जब अकोमोडेशन हो जाती है तो होता है कि चलो अब यार जॉब भी लग जाए, क्योंकि मेन तो सबको जॉब का होता है यहाँ पे आके। अब मैं गया था जॉब, मेरे काफ़ी जगह अप्लाई किया, उसने भी अप्लाई किया, सब ने हमने मिलकर अप्लाई वैक किया। तो फिर मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे ना घर के पास में एक रेस्टोरेंट था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, छोड़ो क्या ही लेना। तो मैं गया वहाँ पे, मेरे को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। फिर मुझे कहते हैं कि आपको 5 घंटे की ट्रेनिंग, 5 घंटे हम आपको टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। तो मैंने उसको बोला कि आई नो माई केपेबिलिटीज एंड आई नो दैट आई विल बी एबल टू क्लियर इट, जस्ट इन केस आई नो दैट आई विल बी क्लियरिंग इट, सो आई वॉन्ट द 5 आवर पे टू बी पेड।
तो उन्हें उन्होंने बोला कि नो नो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और वो खुद ही इंडियन थे। तो मुझे नहीं पता क्या रूल है, बैक साइड क्या रूल है, मुझे कुछ नहीं पता, बट ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता। और वो मेरे को ये भी कहती, बंदी थी, मैनेजर थी, कहती कि हमने भी ये सब किया है और हमारी जॉब लगी है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यू नो दैट इफ यू हैव डन एंड दैट्स रियली नॉट राइट, एथिकली दैट्स नॉट राइट, एंड देन यू आर सपोर्टिंग दिस, दैट मीन्स यू नो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट टू डू। तो मेरे को नहीं पता कि शायद वो ऑफेंड हो गई क्या हो गई। तो उसने मुझे बोला कि देख लो आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको 5 घंटे देने हैं कि नहीं देने, आपकी मर्जी। मैंने कहा ठीक है, मेरे को नहीं देने 5 घंटे फॉर फ्री, क्योंकि मुझे पता है यार ऐसा क्या खा, मतलब ऐसा क्या वो हो जाएगा कि मेरे को तू टेस्ट कर लेगी। अगर टेस्ट करना, मैंने उसको बोला कि इफ यू वांट टू टेस्ट मी यू कैन टेक माय 1 or 2 hours एंड टेस्ट मी। मैंने कहा 1-2 hours इज ओके, इट्स ओके, आई विल डू इट। बट उसने कहा नहीं 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 और फिर मैंने कहा चल छोड़, बोलता हूँ। 10-15 मिनट में बाहर गया, अपने डिसीजन बनाया, फिर वापस आया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओके आई एम विलिंग टू गिव माई 5 hours, लेट्स डू इट। कहती आई विल टेक ए 5 hours बट आई एम नॉट श्योर दैट यू नो वील बी एबल टू यू नो कॉल यू और नॉट, बिकॉज इफ यू आर क्लियर वील बी लेटिंग यू नो लेटर। मतलब तो आप ये देख लो कि लोग ऐसे यहाँ पे आपको अप्रूव करवा देंगे, अपना काम निकलवा देंगे और बाद में जाके नहीं देंगे जॉब, ऐसा सीन भी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बट मैंने वो काम नहीं किया और मैं खुश हूँ कि मैंने चलो फ्री में कोई काम नहीं किया। बट ये है कि फिर उसके बाद थोड़े रेफरेंस थे, तो रेफरेंस के थ्रू मेरे को होटल में जॉब मिल गई है और मुझे फ्रंट डेस्क की जॉब मिल गई है। फ्रंट डेस्क में ये है कि एटलीस्ट तुम्हें कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कोई मतलब ऐसे लिफ्टिंग लुफ्टिंग का काम नहीं होता। मतलब मेरे को जॉब लगनी थी और मेरी जॉब लग गई थी, मतलब आप लगा लो इस घर में शिफ्ट होने के विद इन 3 weeks में। तो भाई आप दो हफ्ते आप वो लगा लो क्वारंटीन किया, 2 हफ्ते मैं यहाँ पे आके सेटल वेटल हूँ, और फिर 3rd week में मेरी जॉब लग गई थी। तो मेरे को जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर बात आती है कि जब आपकी जॉब लग जाती है, आप मतलब आप मैनेज करते हो अपना खाना, मैनेज करते हो टाइम, मैनेज करते हो पढ़ाई, मैनेज करते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप मैनेज करते हो। जो मोस्टली मैंने चीज़ें सीखी है ना यहाँ पे, बहुत अच्छी सीखी है। पहली जो अच्छी चीज़ है कुकिंग। मेरे को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, जीरो, आई वॉज अ जीरो, आई वॉज अ नूब इन कुकिंग। कुकिंग कुछ नहीं आती थी मुझे, और अब मैं घर में खाना बना लेता हूँ, मुझे पता है, आई नो माई कैपेबिलिटी, और कुछ ना कुछ चीज़ें मैं नहीं ट्राई करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और मैं खाना बहुत ही बढ़िया बना लेता हूँ, मुझे पता है। कभी आप पनीर बनवा लो मुझसे, कभी चिकन बनवा लो, कभी कुछ भी मतलब स्नैक्स टाइप में बनवा लो। उस दिन मैंने ब्रेड रोल बनाए हैं, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बना लेता हूँ। तो कुकिंग की मैंने एक चीज़ आई, अच्छी चीज़ ये कि मैंने कुकिंग अच्छी सीखी है यहाँ पे, मतलब मैंने कुकिंग सीख ली है। दूसरी चीज़ मैंने सीखी है यहाँ पे वो है टाइम मैनेजमेंट, खाना अपना खुद बनाना, खुद तैयार होना, बाल वाल करना, क्योंकि मेरे को बाल भी ना यहाँ पे मैनेज करने में, मतलब कम से कम बाल सेट करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो बाल मैनेज करना, खाना बनाना, नहाना, फिर जॉब पे निकलना, और जॉब से थोड़ी देर पहले निकलना, सुबह 5-5 बजे भी उठ के मैं गया हूँ अपने घर से जॉब के लिए। तो यह है कि एटलीस्ट मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ जो चीज़ शायद मैंने कभी अपने कम्फर्ट जोन में महसूस भी नहीं करी होगी। आई एम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ। And I say to people that you know I am actually living my dream. I am really living my dream क्योंकि comfort zone से बाहर निकलना और ये सारी चीज़ें try करना, मेरे को नहीं लगता कि सब you know dream करते हैं इस चीज़ को, पर मैं ज़रूर dream करता था comfort zone से बाहर निकल के ऐसी चीज़ें try करना। तो ये चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छी सीखी हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ पे सब कहते हैं कि you know कोई किसी का नहीं, बट मैं आपको रियलिटी बताऊँ जो मैं फील करता हूँ। मुझे नहीं पता सब ऐसा फील करते हैं कि नहीं, बट मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब कोई किसी का नहीं है, पार्शियली रॉन्ग है। क्योंकि मतलब आप ये लगा लो सब आप लोग आओगे, मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ, अपनी लाइफ बनाने आया हूँ, मेरे को वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई किसी का नहीं, बस ये है कि यार लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर मान लो कि आपको उनसे काम है, ठीक है, और उन्होंने आपका काम नहीं किया, या आपको उनसे मिलना है वो आपसे नहीं मिल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बंदा बुरा है। वो अपनी लाइफ बनाने आया है यहाँ पे, या बंदी जो बनानी अपनी लाइफ आई है यहाँ पे, वो अपने आप को देखेगी ना, अपने आप प्रायोरिटी देगी। तो आप बस ये मत सोचो कि इसके पास यहाँ ना टाइम नहीं है या कोई किसी का नहीं, ऐसा ना सोचो मत। क्योंकि आपको पता है एक जो हम देखते हैं वो आउटर वर्ल्ड है, हमारे अंदर एक इनर वर्ल्ड है। अगर आप इनर वर्ल्ड को इस आउटर वर्ल्ड के साथ कंपेयर करोगे या उस आउटर वर्ल्ड के एक्शन से अपने आप को अफेक्ट होने दोगे ना, तो आप मतलब आप ना पता है बहुत परेशान हो जाओगे यहाँ पे, आप होमसिक फील करोगे। और मैं होमसिक फील नहीं करता, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है, और मैं ना अपनी चीज़ों को डायरेक्शन बहुत देता हूँ। अगर मान लो मैं इमोशनल हूँ भी ना, तो मैं उस चीज़ को डायरेक्शन देता हूँ, अपने ड्रीम्स को
रिकलेक्ट करता हूँ दोबारा दिमाग में कि भाई ये करना है मेरे को, मैं ये करूंगा, तो जाकर मैं अपने इमोशंस अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। तो ये चीज आप जरूर सीख के आओ, इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि वरना तो बंदा ना खुद को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे और अच्छी बात यह है कि आप ना लोगों की वैल्यू रियलाइज करते हो यहाँ पे आके। आप अपनी कंट्री में देखो तो आपको लोगों की वैल्यू रियलाइज होगी कि यार लोग कितने सही थे, ये था वो था, तो आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी। अब यह कि आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी कि आपको खुद ये करना है, खुद वो करना है, आप कभी भी ये कर सकते हो, कभी भी वो कर सकते हो। काफी चीजें, जैसे मान लो लैपटॉप खरीदना है, या मान लो वॉच खरीदनी है, फोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना, आप खुद ये चीजें कर पाओगे यहाँ पे, तो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। तो ये काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मतलब मैं लेके जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बुरी चीजें मेरे पास ना आए, क्योंकि जो चीज मैं देखना चाहता हूँ वही मेरे को दिखेंगी। हम कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, वो इसलिए कहते हैं कि जो हम देखेंगे हमें वही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छी चीजें ही देखता हूँ, मैं कोई बुरी चीजें नहीं देखता, तो इसलिए मुझे बुरा नहीं दिखता। बट हाँ, एक चीज यहाँ पे, एक चीज ये है कि अपना आप जो हिसाब किताब है वो शुरुआत से फेस टू फेस सबसे, लोगों से, अपने हाउसमेट्स, नॉर्मल जो लोग आपके दोस्त हैं, सबसे क्लियर करके चलना, क्योंकि आप अपना लॉन्ग टर्म सोच कर आए हो यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म पे किसी से अपनी बात मत खराब करो, जो भी आपको लगती है ना चीजें वो बोल दिया करो लॉन्ग टर्म के, ये सोच के कि भाई एटलीस्ट बंदे को या बंदी को क्लियर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको मान लो किसी की कोई बात पसंद नहीं है, तो प्लीज से इट आउट कि ये होगा, एटलीस्ट बंदे को, कि इस बंदे पता रहेगा कि यार इसने मेरे को ये चीज बोली हुई है, और आप भी रहोगे मैंने एटलीस्ट बोल तो दी इसको। तो काफी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत पंगा होता है, मेरा एक दोस्त था, वो अब किसी और के घर रह रहा है, तो उस पर बोलने लग गए कि भाई तूने इतने केले खा लिए, तूने इतना खा लिया, मतलब आप देख रहे हो ऐसा नहीं होता भाई, सबकी अपनी डाइट होती है, सब जिस, और अगर इतना कॉमन में नहीं ले सकते तो प्लीज बाय इट पर्सनली। तो ये इश्यूज होते हैं, बट ये है कि आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट पीपल हु आर लिविंग विद मी, और हमारे में ये नहीं होता। इनफैक्ट ये भी होता है कि अगर हम कुछ भी अपना पर्सनल ले रहे हैं, मान लो अगर हमने न्यूटेला अपना पर्सनल ले लिया, या कभी कोई चिप्स बटर वगैरह कुछ भी मतलब ले लिया अपना पर्सनल, तो हम ये नहीं करते कि यार मेरा है वो या तेरा है वो, अगर उसका मन है खाने का तो मतलब प्लीज हैव इट ब्रो, हमारा ऐसा सीन है। तो इस वजह से मैंने अब तक ये इशू फेस नहीं किया कि मतलब इतना इसने यूज कर लिया, इतना उसने यूज कर लिया, तो ये चीज मतलब ये मैंने नहीं फेस किया, और आई एम हैप्पी कि मैंने ये फेस नहीं किया। तो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ये 100 दिनों का, बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो सीखी हैं वो मैंने आपको बता दी है, कुकिंग सीख ली, इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिल गई है, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, लोगों और नए लोगों से मिला, यहाँ का कल्चर लर्न कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ें, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है वो अब तक बहुत अच्छा रहा है। बट हाँ, एक नसीब भी बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आपका नसीब आपके साथ चल रहा है कि नहीं, और आई एम हैप्पी कि मतलब आप लोग मेरे साथ हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ भी, आप लोगों को सपोर्ट भी ना, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन चैनल को जो सब्सक्राइब कर देते हो, ये सारी चीज़ें भी ना अंदर से खुश करती हैं, तो बंदा ना और किसी होप से ना खुश रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके कि एटलीस्ट मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब मेरा अपना कमरा, अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ, मैं लॉन्ड्री कर रहा हूँ, कहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं घर कपड़े भी धोऊंगा, काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अब मैं अच्छा देखना चाहता हूँ, तो मेरे को अच्छा ज़रूर दिखता है। आप अच्छा देखो, आप अपना एक्सपीरियंस जोड़ो, और आप पता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, काफ़ी चीज़ें में प्रॉब्लम आएंगी भी, बस मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि मेरी लाइफ में ना सब बढ़िया है, सब बढ़िया, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती होंगी, बट मेरा नज़रिया ऐसा है कि मैं प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाता, और उन प्रॉब्लम्स में भी अच्छे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको पता है मेरा कल एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार चल इसमें भी कुछ ना कुछ होगा अच्छा, तो आप लगा लो। पता नहीं कैसे मेरे को री एग्जाम करने का सर ने वो दे दिया, क्योंकि मैंने सर को मेल डाल दिया था, सर ये प्रॉब्लम हो गई एंड नहीं हुआ मुझसे। तो अभी देखो कि मैंने उस सिचुएशन में सोचा कि अगर सर मेरा देंगे टेस्ट तो कोई बात नहीं, रहेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही होगा इसमें, और सर ने मुझे अटेम्प्ट दे दिया, री अटेम्प्ट। अब देखो मतलब ये है कि अगर आप अच्छा देखना चाहो तो आप अच्छा देख सकते हो, आपके साथ अच्छा हो सकता है। तो बस यही है। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना मेंटल पीस, यहाँ का दिमाग का सुकून बहुत ज़रूरी है, और मेरा, मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ इस मामले में। मेरी कोई मेंटल हेल्थ, मेरे इनर इमोशंस कोई इफेक्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं उसको चाहूँ तो। सेम इज़ विद यू गाइज, अगर आप किसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनाते या इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करते अपने अंदर इनर पीस को हार्म करने के लिए, तब तक आपका इनर पीस हार्म नहीं होएगा।
तो मेंटल पीस और इनर पीस अपना ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था वो यही था और मैं अब तक एंजॉय कर रहा हूँ ये जर्नी। और कहते हैं कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो मेरा सफर जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड आई नो यू गाइज आर कनेक्टेड विद मी और आप लोगों के साथ मैं शायद अभी तो 7K, फिर 10K, फिर 20, 30, 40 एंड आई रियली होप टू सी माई सेल्फ एट 100K एज वेल। तो ये है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो वो पानी डलवा लूँगा मैं अपने ऊपर, वो तो बहुत ही फन होने वाला है, वो मैंने सोच रखा, मैं आपको बहुत एक्साइट करूँ उस चीज़ के पीछे। बस यही है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द पीपल आर कमिंग इन, ऑल द बेस्ट। तो तब तक लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और यही थी मेरा एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ लव, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं, बाय, से फिर मिलेंगे, चलते हैं चलते 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 सब्सक्राइब टू हिज चैनल, से सब्सक्राइब टू हिज चैनल, सब्सक्राइब टू स्टैंड, सब्सक्राइब 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 हिज चैनल स्टैंड, इट्स ओके।